आपका कोई संबंधी है, कोई निकट संबंधी, उससे आत्मीय संबंध बने हुए हैं, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो या कोई भी रिश्ता, बहुत लगाव के बाद जब रिश्ते टूटते हैं, जब उसमें दूरियां आती हैं, तो ऐसी स्थिति में एक असहनीय पीड़ा होती है किसी एक पक्ष को। प्रायः मैंने देखा है कि कभी कभी तो दोनों पक्षों को पीड़ा होती है, मगर अक्सर ऐसा ही होता है कि किसी एक को बहुत ही ज्यादा पीड़ा होती है, बहुत ही अधिक वेदना है। या तो रिश्ता बने ही नहीं, और रिश्ता अगर बन जाए तो अचानक टूटने पर जो दर्द की अनुभूति है, जो वेदना की अनुभूति है, जो वियोग की अनुभूति है, वह असहनीय होती है। और ऐसे में चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह पुरुष हो, जो इस वेदना को झेलता है, उसके जीवन में कोई सुख नहीं रह पाता, कोई चैन नहीं रह पाता, उसको लगता है दुनिया में कुछ है ही नहीं है। एक तनाव की अनुभूति होती है, एक व्याकुलता की अनुभूति होती है, और धीरे धीरे वह डिप्रेशन के गर्त में चला जाता है। और उसको इससे निकलने में कभी कभी तो वर्षों लग जाते हैं। अगर रिश्ता कोई टूटता है तो धीरे धीरे टूटता है, समझ में आता है, मगर अचानक से अगर रिश्ते टूट जाते हैं तो उसकी अनुभूति उसी को होती है जो इस माहौल में होता है, जो इस वियोग को झेल रहा होता है। हमारे पास तो ऐसे कोई शब्द नहीं है कि मैं इसको परिभाषित कर सकूं, इसकी व्याख्या तो वही कर पाएगा जो इस वेदना में है, जो इस वियोग में है। आज का जो मेरा प्रयोग है इस तरह की वेदना से निकलने के लिए है, इस तरह के वियोग से निकलने के लिए है। अगर आपके जीवन में इस तरह की समस्या व्याप्त है, इस तरह की परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, तो मेरा आज का प्रयोग आप सभी भाइयों के लिए है, बहनों के लिए है, माताओं के लिए, जिसके मन में सच्ची श्रद्धा होगी, विश्वास होगी, समर्पण का भावना होगा, कृतज्ञता का भाव होगा, वह इस प्रयोग को करें, श्रद्धा विश्वास के साथ करें, आपको अवश्य ही सफलता मिले। जो रिश्ते आपके पहले जैसे चल रहे थे पुनः वैसे ही चलने शुरू हो जाएंगे। जो व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया है पुनः वापस लौटेगा। आप लोग का आत्मीय संबंध पहले जैसा हो जाए। मैं प्रयोग विधि पर चलता हूं। सर्वप्रथम आपको केले के पौधे के पास आपको जाना है, सदा भाव से उनका प्रणाम करें। जैसे हम किसी सजीव व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वैसे केले के पौधे को आप नमन करें। उनसे आप आग्रह करें कि हे वृक्ष देवता, मैं बस सिकण कार्य हेतु आपका कुछ अंश लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ, कृपया हमको प्रदान करें। और अगर जाने अनजाने में कोई हमसे भूल चूक हो जाए तो क्षमा करें। और केले का जो वृक्ष होता है उसमें एक छोटा सा पत्ता काट लें, इतना छोटा हो या इतना बड़ा हो जिससे किसी का नाम आप आसानी से अपनी उंगली से लिख सकें। आप यह करना है, उसके बाद अपने घर आकर के उसको गंगा जल से प्रक्षालित कर दीजिए, धो लीजिए। किसको? जो केले के पत्ते आप लाए हैं उसको धोने की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद लाल चंदन से अपने अनामिका उंगली, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से केले के पत्ते पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है। किस व्यक्ति का? जिससे आपका संबंध था और अचानक से आप लोग में दूरियां बन चुकी है, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष, उसका आप नाम लिखें। और जब वह सूख जाए, आप जो नाम लिखे हैं वह सूख जाए, उसके बाद क्या करना है? केले को आपको पीसना है और उसमें गोलियां बना लेना है।
उतनी ही गोली बनाना है जितना व्यक्ति विशेष के नाम में है, अर्थात आपने जो नाम लिखा है केले के पत्ते पर उसमें कितने अक्षर हैं उतनी ही आप गोली बनाइएगा। उसके बाद लाल रंग के सूती कपड़े में उन गोलियों को रख करके बांध दीजिए, छोटा सा कपड़ा होगा उसमें आपको बांध लेना है और तीन रात अपने सिरहाने रात को रखना है और चौथी रात को उस व्यक्ति के दरवाजे के सामने आपको फेंक देना है जिसको आप अपने बस में करना चाहते हैं या बस में करना चाहते हैं, जिससे आप लोग का पहले स्नेह संबंध था, प्रेम संबंध था, अब रिश्ता टूट गया है, उसके दरवाजे पर आप रख कर के आना है। भगवान चाहेंगे तो आप लोग का पुनः संबंध हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। एक चीज मैं कहना भूल गया हूँ कि जब भी आप ये प्रयोग करें अपने इष्ट का स्मरण करना कदापि न भूलें, अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का स्मरण करना कदापि न भूलें। अगर आपके पास कोई आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो मेरी आंखों में श्रद्धा पूर्वक देखते हुए मुझसे ही इस कार्य में सफलता के लिए मानसिक आदेश प्राप्त करके इस कार्य को करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। मैंने अब भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग समझ में आया होगा। फिर भी इस तरह की समस्याओं से आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो निराश ना हो, अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आवश्यकता अनुसार आप लोग का उचित समाधान करूँगा। धन्यवाद। राम राम।